आने वाले समयों में विभिन्न आचार्यों ने जो भक्ति करके और मुक्त होने का उपाय बताया है उस पर ही विचार करेंगे। एक ही भावम गतिव मया या स्वयं कर्म बंधु घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारह करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्ति रुन्मुक्ति ये चेत जे तुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु। वादिराज महाराज जो कि भक्ति में निष्णात हैं, वे कह रहे हैं भगवान जिनेन्द्र की भक्ति करते हुए कि यह जो देह मेरे साथ एक मेक हुई दिखाई पड़ती है और यह जो कर्मों का बंधन मेरे साथ एक मेक पने को प्राप्त हो गया है, जो जन्म जन्मांतरों में मेरे साथ जाकर के मुझे अत्यंत दुख देता है और जिसका निवारण करना सहज साध नहीं है, वह भी हे जिन भगवान रूपी सूर्य, हे जिन रवे, आपकी भक्ति के द्वारा वह कर्मों का बंधन भी नष्ट हो जाता है, तब संसार का और कौन सा संताप है जिससे कि मुक्त न हुआ जा सके। इस आत्मविश्वास और भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा से भक्ति की शुरुआत करते हैं वादिराज महाराज। वास्तव में उनके भीतर जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो उन्हें ये कहने का साहस दे रही है कि आपकी भक्ति में करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा तो मैं कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तब फिर ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे से संताप, ये दुख जिनसे कि मैं संसार में ग्रसित हूं, उनसे क्या मुक्त नहीं हो पाऊंगा? अवश्य मैं उनसे भी मुक्त हो जाऊंगा। वास्तव में दुख संसार नहीं देता, दुख का कारण मैं अपने भीतर ही झांक करके देखूं तो दिखाई पड़ेगा कि मेरे अपने स्वरूप से मेरी अनभिज्ञता वही वास्तव में दुख का कारण है। और स्वरूप से अनभिज्ञ होकर के मैं पर पदार्थों में अपनेपन का जो भाव रखता हूं, उस अज्ञानता के चलते जो पर पदार्थों में मैं आसक्त हो जाता हूं, वह भी मेरे दुख का कारण है। और जब आपके दर्शन करता हूं, आपके गुणगान करता हूं, तो मुझे अपने स्वरूप का बोध होता है, पर पदार्थों से मेरी आसक्ति घटने लगती है और मैं कर्मों के बंधन से सहज रूप से ही मुक्त होने लगता हूं। सचमुच जब आपकी स्तुति भक्ति मुझे कर्मों के बंधन से मुक्त कर देगी तो संसार के दुख से तो मुक्ति बहुत आसान हो जाएगी। सब जीव यहां पर संसार के दुखों से ही मुक्त होना चाहते हैं, उसका सहज सा उपाय है भगवान जिनेन्द्र के प्रति हमारी भक्ति हो और जिससे हमें स्वरूप का बोध हो और पर पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति घटे, ममत्व भाव घटे, तो सहज रूप से हम मुक्त होकर के दुख से बच सकते हैं।